नेटफ्लिक्स पे एक मूवी आया है कला नाम से। पहले ही मैं बता दूं ये मूवी सभी के लिए नहीं बना है। जिनको एक्शन मूवी पसंद है, जिनको ढाक ढूक एक्शन ड्रामा मूवी पसंद है, तो उनको ये मूवी नहीं पसंद आएगा, क्योंकि इस मूवी का सिनेमेटोग्राफी 80s और 90s के दौर जैसा बनाया गया है, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर के जैसा। मैंने सिर्फ एक रीजन से इस मूवी को देखा है, इरफान खान के बेटे बाविल खान के लिए। उन्होंने इस मूवी से डेब्यू किया है और उनका एक्टिंग कैसा है, क्या इरफान खान की क्वालिटी उनके बेटे में है या नहीं, इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा। मोटा मोटी इस मूवी की स्टोरी बताऊं तो कहानी दो सिंगर की है, जिनमें से एक टैलेंटेड है तो दूसरा उनसे थोड़ा वीक। स्टोरी कुछ ऐसा है कि वीक सिंगर ही आगे जाता है, उनको फिल्म की गाने में ब्रेक भी मिलता है। सवाल ये है कि टैलेंटेड सिंगर का क्या हुआ, ये तो आपको फिल्म देखकर ही पता चलेगा। फिल्म में आपको अनुष्का शर्मा का एक कैमियो भी देखने को मिलेगा, जो एक गाने में नजर आई है। ओवरऑल मेरी तरफ से इस मूवी को मिलेगा 5 में से 3 स्टार। पहला स्टार मिलेगा 90s-80s की दौर जैसी मूवी को फिर से लोगों में एक्सपीरियंस कराना। दूसरा स्टार मिलेगा फिल्म में एक स्पेशल मैसेज को दे कि एटलीस्ट कोई तुमसे कुछ कहना चाहता है तो एटलीस्ट एक बार उनकी बात सुन लो। तीसरा स्टार मिलेगा बाबिल खान एंड उनके को एक्टर्स को, उनकी डेब्यू फिल्म होने के बावजूद भी उनकी एक्टिंग में मैच्योरिटी को दिखना, ये काबिले तारीफ था। नेगेटिव्स में कटेगा फिल्म को फैमिली फ्रेंडली ना बनाना। फिल्म में कुछ ऐसा सीन्स भी है जो डायरेक्टली नहीं दिखाया गया, फिर भी आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो में लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय।